छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक ने अपने ही जिगरी दोस्त की हत्या कर दी। उसने अपने दोस्त को इसलिए मार दिया क्योंकि दोस्त ने झगड़े के बाद आरोपी को चाकू दिखाया था। जानकारी के मुताबिक दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, मगर सोमवार शाम को दोनों में घर के अंदर ही झगड़ा हो गया था। झगड़ा हुआ तो नानू ने संजू को चाकू दिखाया था, कहा था तेरे को मार डालूंगा। उसकी यही धमकी सुनकर संजू घर से भाग गया था। इसके बाद वह रात को करीब 11 बजे घर आया था, तब नानू सो रहा था। इसी दौरान उसने सिलबट्टे के पत्थर से सिर कुचलकर नानू की हत्या कर दी थी। नानू की मौके पर ही मौत हो गई थी। वारदात के बाद वह घर से भागकर मोहल्ले के मंदिर के पास जाकर सो रहा था। इस मामले की जानकारी तब सामने आ सकी है जब पड़ोसी ने संजू का घर खुला हुआ देखा। उसके पड़ोसी ने देखा कि दरवाजा खुला है, बाहर से आवाज देने पर कोई सुन भी नहीं रहा था। इसके बाद पड़ोसी अंदर गया था। अंदर जाने पर उसने नानू की खून से लथपथ लाश देखी। ये देखने के बाद ही उसने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी। इस पर पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तलाश शुरू करने पर संजू मोहल्ले के मंदिर के पास पुलिस को मिला। वो वहां पर सो रहा था। पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।